कटोरा खान साहब को छोड़ूंगी नहीं मैं जिंदा। इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। अरे 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 फिजा खलीफा शांत हो जाओ और टुकड़े टुकड़े कर दूंगी खान साहब के। अरे 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 फिजा खलीफा शांत हो जाओ और सुनो, ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम क्यों परेशान हो रही हो, इतना रो क्यों रही हो भाई, क्या हो गया ऐसा? नहीं और क्या, मैं डांस करूं? रोऊं नहीं तो मैं क्या करूं? क्या करूं, मैं मर जाऊं? नहीं, सारे सवालों का जवाब ताड़े को लेके है इमरान खान। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गया। अरे नहीं फिजा खलीफा जी, हम आपके साथ में है। चल झूठा। तो दोस्तों, अभी पाकिस्तान के रंगीले सुल्तान इमरान खान निया जी के ऑडियो वायरल हो चुके हैं मार्केट के अंदर, और जो कि पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान और पूरे विश्व में कदर मचा रहे हैं और लोग बड़े चाव से सुन रहे हैं। क्या बात है, आपका भाई आपके लिए दोनों वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए। ओके, जैसा कि आपको पता है इमरान खान के जो वीडियो लीक हुए हैं उनके अंदर रंगारंग प्रोग्राम है। देखता हूं अगर वो मेरे वो सारी फैमिली मेरे बच्चे आ रहे हैं ना, परसों मेरी फैमिली ना आ जाए, मैं कोशिश करता हूं उनको थोड़ा डिले करता हूं। ओके, जिस औरत का नाम आ रहा है उसका नाम है आयला मलिक। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो कि इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग, नेशनल प्राइड और मुल्की वकार बढ़ाने का सबब बने। हमारे साथ हैं इमरान खान। मैं इनसे पहला सवाल ये करूंगी इमरान, और दूसरी मोहतरमा का नाम नहीं पता, तीसरी मोहतरमा का नाम नहीं पता, लेकिन उसको भी हम ढूंढ लेंगे, फिक्र ना करें। तो जिस तरीके से आलिया मलिक इमरान खान के नाम की माला जपा करती थी आज से 10-12 साल पहले टीवी स्टूडियो में बैठ के, उसी प्रकार से आज एक पाकिस्तानी पत्रकार फिजा खलीफा, जो कि हिंदुस्तान में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, उसके दिल पे क्या गुजर रही है पता नहीं। तो हमने फिजा खलीफा से संपर्क किया, तो फिजा खलीफा तो इतने दुख में थी कि वो आ नहीं सकी, तो उसने अपना क्लोन भेज दिया, क्यों पता नहीं। तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने के लिए क्या आप लोग तैयार है? चल सबसे पहले तो फिजा खलीफा जी आपको जय श्री राम। बीजेपी आरएसएस के दहशतगर्द हो, जय श्री राम। तो फिजा खलीफा जी आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू। हम काफी चाहते थे कि आपका ओरिजिनल फ्रेम हमको मिले, लेकिन हम क्लोन से काम चला लेंगे। मगर क्यों? क्योंकि हम सस्ते डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। Never. फिजा खलीफा जी, जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के जो वीडियो लीक हुए, प्राइवेट वीडियो लीक हुए, उनको सुनने के बाद में आपको क्या फील हुआ? और पहले मुझे ये बताइए कि आपने वो वीडियोस पूरे वीडियो सुने हैं या नहीं सुने? हाँ जी बिल्कुल सुने हैं, और मेरा खून खोल उठा। अभी आपने मेरे को टेबल नहीं दी, वरना उसको पीट पीट के बताती कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मैं अभी कुछ कर नहीं सकती, मैं अच्छा जलन में जी रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा अच्छा रुकिए, आयला मलिक का खून कर और ऑडियो क्लिप्स के अंदर इमरान खान काफी अतरंगी बातें कर रहे हैं, काफी रोमांटिक हो चुके हैं, रोमानी भी हो चुके हैं। ऐसे नहीं चलेगा। जैसा कि ये हमारी आवाम ये जानना चाहती है कि जिस तरीके से आप भी इमरान खान करती है, इमरान खान 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 पागल औरत, और इमरान खान की इतनी हिमायत करती है, क्या आप इमरान खान की चौथी बीबी बनने वाली है? आपके दिल पे कितना पहाड़ टूटा, हमारे दर्शकों को खुल के बताइए, विस्तार से बताइए। मैं बता नहीं सकती, मेरे सपने चूर चूर हो गए, ढह गए, बह गए, दफन हो गए, मर गए, कुचल गए, मैं क्या बताऊं यार, मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, क्या गुजर रही है। चौथी बेगम बनने के सपने देखे थे मैंने, और ये खान साहब ने क्या कर दिए, मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, कीचड़ फेंक दिया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मैं बोलती थी खान साहब अच्छे हैं, ये है, खान साहब से बेहतरीन नेता कोई नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन खान साहब ने मेरे मुंह पर काली पोत दी है। ओहो, बहुत बुरा किया खान साहब ने। लेकिन आपको फिजा खलीफा जी पता होना चाहिए, खान साहब जब से प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, तब से ही प्ले बॉय थे, और उनके पास लड़कियों से गुलछर उड़ाना उनका यही काम रहा है, तो आप कैसे दुखी हो सकती है जबकि आप अभी तक उनकी पत्नी भी नहीं बनी है? बस दिल पर किसका जोर, मैं इमरान खान साहब को अपना बनाकर रहूंगी, चाहे किसी भी हद से गुजरना पड़े, मैं कुछ भी करना पड़े, मैं पाक आर्मी से भिड़ जाऊंगी खान साहब के लिए, इससे ज्यादा और क्या कहूँ। मतलब आप इमरान खान की चौथी बेगम बन के रहेगी? बिल्कुल 100% श्योर।
और ये जो प्राइवेट ऑडियो भी लीक्स हुए इनका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तीन बेगम पहले से हो, अगर वहाँ दो चार और हो सकती है तो क्या फर्क पड़ेगा? ये तीन बेगम में तो एक नंबर में, दो नंबर में तो इनकी सैकड़ों बेगम है, बेहतर हुरे पाली हुई इन्होंने साइड में। जब खान साहब प्ले बॉय रह चुके तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ा, तो इन ऑडियो से मेरे पर घंटा फर्क पड़ेगा। फिजा खलीफा जी आप तो इतनी बोल्ड हो रही है, इतनी मतलब क्या ही बोले, आपके तो विचार एकदम इस्लाम के खिलाफ है एकदम। लेकिन एक बार खान साहब मेरे बन गए ना, फिर खान साहब का पत्ता ऐसे साफ करूंगी और मैं ही बनूंगी पाकिस्तान की वजीरे आजम, वजीरे खाला, सब कुछ मैं ही बनूंगी। और माय गॉड, चौबीस घंटे भारत के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, इंडियन मुस्लिम के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर, क्यों क्यों इतना बात का बतंगड़ बनाती है, क्यों चीखती रहती है पाकिस्तान में बैठ के? आप हमारी ऑडियंस को बताएं। देखो मैं पहले बता दूं, मैं पहले चीखती थी, बौखलाती थी, फ्रस्ट्रेशन निकालती थी क्योंकि मुझे फेम चाहिए थी, लेकिन जैसे ही फेम मिली अब मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं इंडिया के खिलाफ कुछ जहर नहीं उगल रही हूँ, ये आपकी गलत फहमी है जी। ये तो मैं देख रहा हूँ पिछले चार महीने से आपने कोई भी इंडिया के खिलाफ जहर नहीं उगला, लेकिन अचानक से ये चुप्पी क्यों साध ली आपने? आपको क्या इंडिया के मुसलमानों की आवाज नहीं सुनाई देती? कश्मीर दिखाई नहीं देता, मोदी दिखाई नहीं देता? अभी मेरा टारगेट सिर्फ खान साहब है। तो मतलब खान साहब की चौथी बीवी बन के रहेंगे आप? अब वो 70 साल का बुढ़ा हो गया, कहाँ आप यंग जवान, हिंदुस्तान में एक से एक हसीन लौंडे हैं, आप कहाँ बुढ़े के पीछे लगी हुई है? आपको पता है पाकिस्तान में सब चलता है, 60 साल के दद्दू के साथ भी 15 साल की लड़की। बात तो सही है। फिजा, फिर मैं तो फिर भी हसीन जवान, और कटोरा खान साहब इतने भी बुढ़े नहीं हुए हैं, माना कि वो टाइट टाइट खुश हो गए हैं, ये ऑडियो पहले की है, लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ता। वाह वाह वाह, क्या महान विचार है, आप पाकिस्तान की एक आदर्श नारी है, और हम ये जरूर चाहेंगे कि आपकी इमरान खान से जल्दी से निकाह हो आपका। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अगर रियल फैक्ट बताऊं तो मुझे खान साहब की प्रॉपर्टी चाहिए, खान साहब से मुझे क्या लेना देना, खान साहब चाहे कहीं। चलिए फिजा खलीफा जी, अब आप रहने दीजिए, आप तो खान साहब के। अरे बस करिए, अब ये तुम्हारा शो नहीं है, मेरा शो है, चुप रहो, चिल्लाओ मत, चुप रहो, एकदम शांति रखो। फिजा खलीफा जी ये मेरा शो है, और भगवान करे आपको इमरान खान नियाजी मिले, आप ऐसे ही इमरान खान पाकिस्तान में बैठ के माला जपती रहे। और अच्छा है आपका टारगेट अब इमरान खान हो चुका है, आपने हमारे भारत को बकस दिया, इंडिया के ऊपर आप कोई प्रोग्राम नहीं करती है, लेकिन हमारे इंडिया में आपके बहुत सारे फॉलोवर है और जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको तंतनाता हुआ देखने में उनको एक असीम आनंद की अनुभूति होती है, तो क्या बोलना चाहेगी आप उन व्यूअर्स को? इंडियंस मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझे गालियां देते हैं और मुझे प्राउड फील होता है उनकी गालियां सुनकर, क्योंकि मैंने अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की। वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रही हो, ये गालियां तो बहुत देते हैं तुम्हारे को, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं, जो प्यार करते हैं मैंने उनके लिए मैसेज मांगा, इंडियन से मुझे प्यार नहीं है। तो आप यहाँ पे आई फिजा खलीफा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मौका मिला, मेरा करियर बर्बाद होने को आया, तो मैं फिर इंडिया वापस से चिल्लाऊंगी, तब तक अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो फिजा खलीफा का ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल पर भी है, तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो, किट्टू राव। ठीक है, तो आप लोगों को इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपने विचार जरूर से कमेंट सेक्शन में बरसा के जाना। ठीक है, और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं अपन 15,000 लाइक, इतने से करवा देना। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।